अब रूल नंबर 10 की बात करते हैं। साधारणतः प्रॉपर जो नाउंस होता है उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितिवश इसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाता है। जैसे अगर कहें हम राम, तो इसका राम्स हो सकता है। जैसे सीता कहें तो सीताज हो सकता है। जैसे कहें डॉली, तो इसका डॉलीज हो सकता है। टोनी कहें अगर, तो इसका भी हो सकता है टोनीज। जैसे देखिए, एक क्लास में या एक मीटिंग में राम नाम का यदि दो लड़का वहाँ उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू राम्स इन दिस मीटिंग और क्लास। तो यहाँ पर देखें, टू और राम्स, यहाँ पर राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जिसका हम प्लूरल फॉर्मेशन किए, राम्स किए हैं। तो ये स्थिति बनता है प्रॉपर नाउन्स के साथ। जैसे हम कहते हैं देयर आर 10 टोनीज इन दीज प्रोसेशंस, इस बाराती में मैरिज प्रोसेशंस यानी इस बारात में, इन बारातों में 10 जो है टोनीस नाम का लड़का है। तो ये देख लिया, प्रॉपर नाउंस का भी प्रोफॉर्मेशन होता है। अब हम चलते हैं 11वें रूल पर। ग्यारहवां रूल जो है वो कंपाउंड नाउन के थीम पर है। कंपाउंड नाउन अर्थात एक कंपाउंड नाउन फॉर्म्स द प्लूरल इन एस टू द ओरिजिनल वर्ड। यानी कंपाउंड नाउन जो होता है वह अपना प्लूरल बनाता है ओरिजिनल वर्ड के अंत में एस जोड़ करके। जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर, फादर इन लॉ, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल मेरा वर्ड क्या है फादर इन लॉ में, तो फादर है, तो फादर में क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखने से ही पता चलता है कि दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ मिल करके एक नया सेंस दे, एक सेंस दे, तो उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो ये भी फादर इन लॉ क्या है, कंपाउंड वर्ड है। इसका अगर प्लूरल फॉर्मेशन बनाते हैं तो बन जाएगा फादर्स इन लॉ। ये हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लूरल। जैसे मदर इन लॉ तो हो जाएगा इसका मदर्स इन लॉ। ये आपका क्या है, रूट वर्ड है, ये आपका ओरिजिनल वर्ड है, इसलिए ओरिजिनल वर्ड में ही हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। जैसे स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, तो यहाँ पर देखिए स्टेप ब्रदर, ब्रदर में जो है वह ओरिजिनल वर्ड क्या है, ब्रदर है, इसलिए इसमें एस जुड़ेगा, स्टेप ब्रदर्स। उसी तरह स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सिस्टर का हो जाएगा स्टेप सिस्टर्स। उसी तरह स्टेप सन का हो जाएगा स्टेप सन्स। उसी तरह स्टेप डॉटर का हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। जैसे लुकर ओन मतलब होता है दर्शक,
इसका हो जाएगा लुकर्स ऑन, जैसे फुटमैन, फुटमैन का हो जाएगा फुटमैन, जैसे हेडमास्टर लीजिए हेडमास्टर, तो यहाँ पर मास्टर है ओरिजिनल वर्ड, रूट वर्ड है, हो जाएगा हेड मास्टर्स। इसे चीफ मिनिस्टर लीजिए, चीफ मिनिस्टर, इसका हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। जैसे लीजिए इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, तो इसका रूट वर्ड है इंजीनियर, तो इसका बन जाएगा इंजीनियर, इंजीनियर्स एस जोड़े हैं इसमें, उसके बाद इन चीफ। एक और वर्ड लीजिए पासर बाय, इसका मतलब होता है पथिक, राहगीर, इसका बनाते हैं तो हो जाता है पासर्स बाय। तो देखें कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्मेशन उसके अंत में रूट वर्ड में, सॉरी रूट वर्ड में, ओरिजिनल जो वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड में उसमें एस जुड़ता है तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हो जाता है। अब चलते हैं हम बारहवें रूल की तरफ। कुछ ऐसा भी कंपाउंड नाउंस होता है जो मेन और वुमन से बना हुआ होता है, उसको प्लूरल फॉर्मेशन का रूप देने के लिए हम लोग दोनों वर्ड्स में, दोनों पार्ट्स में, कंपाउंड वर्ड्स के दोनों पार्ट्स का प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कंपाउंड वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ मेन एंड वुमन फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग एस इन बोथ पार्ट्स, इन बोथ पार्ट्स। कंपाउंड वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ मेन एंड वुमेन फॉर्म्स द प्लूरल, यहां सिर्फ लिख देते हैं इन बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट्स में जो है वह प्लूरल फॉर्म किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम मेन ड्राइवर। अब देखिए कंपाउंड वर्ड हो गया आपका, कंपाउंड नाउन हो गया। अब देखिए ड्राइवर एक कॉमन जेंडर में है और जेंडर की स्पष्टता के लिए हम मेन शब्द का प्रयोग किए हैं, तो इन दोनों का जो है दोनों पार्ट्स का प्लूरल फॉर्मेशन होगा। जैसे मेन का क्या होता है मेन, और ड्राइवर का क्या हो जाता है ड्राइवर्स। अब देखिए दोनों भाग में जो है दोनों भागों में हम प्लूरल फॉर्मेशन किए हैं। उसी तरह यदि हम कहें वुमन, वुमन ड्राइवर, तो इसका भी हो जाएगा क्या चीज़ वीमेन ड्राइवर्स। जैसे मेन डॉक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेन डॉक्टर्स। जैसे वुमन डॉक्टर्स, तो इसका हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। जैसे कहें मेन सर्वेंट, तो हो जाएगा इसका मेन सर्वेंट्स, वुमन सर्वेंट,
इसका हो जाएगा वीमेन सर्वेंट्स। तो ये देखिए मैं दोनों पार्ट्स में प्लुरल फॉर्मेशन किया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा भी कंपाउंड नाउंस होता है जिसके आगे मेन या वुमन लगता है, लेकिन दोनों भागों में प्लुरल फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एक भाग में ही होता है जो ओरिजिनल वर्ड होता है। जैसे देखिए अगर हम कहें मेन ईटर, तो यहाँ पर इसका प्लुरल फॉर्मेशन हो जाएगा मेन ईटर्स। जैसे कहें हम वुमेन सीड्यूसर, वुमेन को सीड्यूस करने वाला, तो इसका हो जाएगा वुमेन सीड्यूसर्स। जैसे मेन लवर, तो इसका हो जाएगा मेन लवर्स। जैसे वुमन लवर, तो इसका हो जाएगा वुमन लवर्स। जैसे अगर कहें मेन हेटर, तो इसका हो जाएगा मेन हेटर्स। जैसे कहें वुमन हेटर, तो इसका हो जाएगा वुमन हेटर्स। तो यहाँ पर देखें कंपाउंड वर्ड्स ये सभी हैं, और इसका जो प्लुरल फॉर्मेशन किए हैं सिर्फ अंत वाले जो ओरिजिनल मेरा था वर्ड उसमें किए हैं। जैसे ईटर में किए हैं ईटर्स, सीड्यूसर सीड्यूसर्स, लवर लवर्स, लवर लवर्स, हेटर हेटर्स, हेटर हेटर्स। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, क्यों ऐसा बनता है कि पिछले वाला जो पार्ट है उसी में सिर्फ प्लुरल फॉर्मेशन होता है, अगले वाले भाग में क्यों नहीं? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर जो है जेंडर का स्पष्टीकरण होता था, लेकिन यहाँ पर जेंडर का स्पष्टीकरण नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अब मेन ईटर की बात करते हैं, तो इसका मतलब अगर हम कहें सिंगुलर सेंस में लेकर के ए मेन ईटर, तो इसका मतलब हो गया आपको वन हु ईट्स मेन, जो आदमी को खाता है। तो यहाँ जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता था। उसी तरह अगर कहें हम वुमन हेटर, इसका मतलब वन हु हेट्स वुमन, यहाँ पर सेंस अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता था। यही कारण है कि इनमें दोनों पार्ट्स में होता है, लेकिन इसमें सिर्फ पिछले वाले भाग में अर्थात या जो प्रधान है उसमें होता है। तो ये था आपका 12वां रूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 13वां रूल की बात करेंगे। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I